आज हमें अपनी प्राइवेट डिटेल्स भेजी हैं राघव ने। राघव मुंबई की एक जानी मानी मल्टीनेशनल में मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन पे था और उसने डिसाइड कर रखा था कि इस अप्रेजल में प्रमोशन मिलते ही वो गुंजन से शादी कर लेगा। दोनों की रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे एंड गुंजन इम्पेशेंट हो रही थी। अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उसके लिए अमीर घरानों से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन आखिर में गुंजन ने राघव के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर ही लिया। ऑफिस में एक दिन, यार ऐसा प्रमोशन किस काम का कि वर्क स्टेशन ही बदलना पड़ जाए। अरे तो एक काम कर, तू इसी वर्क स्टेशन पे फिक्स्ड रहे और अपने जूनियर नीलेश को डोनेट कर दे प्रमोशन। अबे साले मुझे नहीं पता था तू मेरी परफॉर्मेंस से इतना घबराता है। तो चुपचाप सामान वाइंड अप कर और चल बिल्डिंग के सेकंड विंग में। नए सीटिंग अरेंजमेंट के बाद राघव मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बगल में आ गया और वहां उसकी नजर आंचल पे पड़ी, जिससे उसने शायद 2-3 बार ही कभी बात की होगी, क्योंकि आंचल वाज ऑन अ मोर सीनियर पोजीशन। लेकिन अब रोज ही मुलाकात होती थी, इनफैक्ट दोनों कई कैंपेन साथ बैठ के डिजाइन करते थे। राघव मैं ऑन ग्राउंड के लिए जगह की रेकी करने जा रही हूँ, यू वांट टू कम अलोंग? हाँ यार पक गया ऑफिस में, चलो चलते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। आई गॉट टू पिक अप माय डॉटर फ्रॉम अ बर्थडे पार्टी। तो साथ पिक अप कर लेंगे ना भाई। आंचल राघव को बहुत अच्छी लगती थी, इतनी अच्छी कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहता था। इनफैक्ट कुछ शामें तो उसने गुंजन को डिच करके आंचल की फैमिली के साथ बिताई। ऑफिस में एक दिन राघव गुनगुनाता हुआ आंचल के स्टेशन की तरफ आ रहा है। चलती है क्या 9 से 12? बॉस के केबिन से जो ऐसे लौटता है उसके 2 ही मतलब होते हैं, एक या तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और या फिर वो पागल हो गया है या फिर। इससे पहले कि तुम एक और मेलोड्रामेटिक ऑप्शन दो, इंसान जनरली भी खुश हो सकता है बाय द वे। अरे बता ना यार। ऑफ साइट है नेक्स्ट वीकेंड, केरला मतलब पार्टी टाइम। ओ वाओ, मैं और समीर कब से प्लान कर रहे हैं केरला, बट हुआ ही नहीं। नाउ आई विल मेक हिम जेलस। एनुअल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग्स दिन में होती थी और रात को देर रात तक पार्टीज। ये ऑफसाइट पे टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस का बकवास, आई एम टेलिंग यू यार, यूजलेस एजेंडा है। हाँ यार मैं तो पूरी मीटिंग हैंगओवर में निकाल देता हूँ। या आई मीन एवरीवन नोस कि ऑफसाइट पे सेल्स बजट और टारगेट स्टैटिस्टिक्स में किसी का ध्यान नहीं लगता, माइट एज वेल छोड़ दो 2-3 दिन के लिए लोगों को। अरे वेटर एक और। अरे ओ हैंगमैन, अब और मत पी, कल अपनी ही टीम का प्रेजेंटेशन है। Guys, good luck with that. Thanks. मैं भी निकलती हूँ अब। चलो यार, कल मिलते हैं। Good night. Good night. टीम के सामने दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कह दिया, लेकिन फिर राघव रात को 2 बजे आंचल के रूम में पहुंच जाता है। तुम्हारा मैसेज मिलते ही मैंने रूही से कैसे पीछा छुड़ाया है मैं ही जानती हूँ। टेल मी नाउ व्हाट इज दैट क्राइसिस जो डिस्कस करना था। बाय द वे मैं भी पांडे को बेवकूफ बना के आया हूँ, इमेजिन दैट रिस्क। तो बताओ फिर What seems to be the problem? पिछले 3 महीने से परेशान हूँ मैं। What is the matter? क्या बताऊँ अब, तुम्हारे जो गाल का तिल है ना, वो मुझे हॉन्ट कर रहा है, पीछा ही नहीं छोड़ता मेरा, दिन रात 24 घंटे। I see. Issue तो सीरियस है। बहुत सीरियस है। ना जाने ऑफिस में कितनी बार इस तिल को टच करने का मन करता है मेरा। टच करने से गायब नहीं होगा ये FYI? Let me see. ऑफसाइट पे जो शुरुआत हुई थी वो मुंबई वापस आने के बाद भी चलती रही, कभी लंबी आफ्टरनून मीटिंग्स, कभी इवनिंग डिनर्स, कभी किसी इवेंट के बहाने। राघव और आंचल वीकडेज में मिल ही लेते थे और वीकेंड्स पर राघव कुंजन के साथ टाइम स्पेंड करता था और आंचल अपने हस्बैंड के साथ। आंचल एक स्टार्टअप का आइडिया है, इफ यू वांट टू गेट ऑन बोर्ड। मैं तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जगल कर रही हूँ, जॉब फैमिली एवरीथिंग, आई डोंट नो इफ आई कैन। आई नो दैट, बट कोशिश तो करो। क्या बात है राघव, तुम जानती हो ना कि ऑफिस में लोग बात करने लगे हैं, आई मीन देयर आर रूमर्स, बट इनकी वजह से मैं तुमसे मिलना और बात करना नहीं छोड़ सकता। बट योर मैरिज डिपेंड्स ऑन दिस जॉब, उसका क्या? आई हैव सम सेविंग्स, वो स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट के लिए काम आएंगी, थोड़ा पैसा तुम लगा देना,
तो गुंजन के पेरेंट्स को भी लगेगा कि मैं कुछ सब्सटेंशियल कर रहा हूँ, और हम साथ काम करने के बहाने हर वक्त साथ रहेंगे भी। That's actually a good idea. By the way, wedding date का क्या हुआ? Yeah, it's on the 15th of the next month. So I'll quit after a year, जब business stable हो जाएगा। तो पूरी planning हो चुकी थी। आंचल, we have to plan a trip to Kerala. Raghav raves about it. सच में यार, आंचल ने तो मुझे जला बुना के खत्म कर दिया है केरला की बातें करके। Great, so let's hit the road in December. Set है ये program. अब ये बताओ डिनर के बाद पार्टी किसके घर पे? Sounds like one happy bunch of friends, isn't it? चलिए बात करते हैं राघव से और जानते हैं कि चल क्या रहा है एक्चुअली। Hey राघव। Hi रिचा, thanks for reading my story. कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? मैरिड लाइफ तो फर्स्ट क्लास चल रही है। तो तुम्हारी वाइफ गुंजन की भी दोस्ती है आंचल से? तुम खुद ही सोचो यार, बस सिनेरियो तो यही है कि हम चारों इतने अच्छे दोस्त हैं कि हम पार्टी साथ में करते हैं, टाइम स्पेंड साथ में करते हैं और वेकेशंस पर भी जाते हैं, और वेकेशंस पर भी साथ में जाते हैं। पर क्या अब भी आंचल और तुम अकेले मिलते हो? ऑफ कोर्स यार, हम लोग तो ऑफिस में भी पूरा दिन साथ में गुजारते हैं। सो यू एक्चुअली स्टार्टेड दैट कंपनी जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? वही तो प्लान था। इनफैक्ट आंचल और मैंने मिलके ऐसा कंपनी स्टेबल करा कि हम दोनों ने वो वाली जॉब छोड़ दी। ओह, तो ऑफिस में काम के बहाने, मीटिंग्स के बहाने, बहुत सारे बहाने हो जाते हैं मिलने के। And we actually get the work done. काम भी होता है और रोमांस भी। But obviously आंचल के हस्बैंड समीर को और तुम्हारी वाइफ गुंजन को कुछ नहीं पता है इस बारे में, है ना? नो यार, जरूरत ही नहीं है। जब सेटअप इतना परफेक्ट होता है, हम इतना साथ रहते हैं दोनों भी और चारों भी, एंड ऑल फॉर अ वैलिड रीजन, कि शक की कोई गुंजाइश ही कहाँ है। Well, जो सेटअप जिसके लिए काम कर जाए। जैसे कि आपने सुना, राघव का ना कोई क्वेश्चन है आज, ना उसे कोई दुख है, ना दिमाग में कोई कंफ्यूजन है। सवाल आज मेरा है, जो चीजें सही के दायरे में नहीं आती लेकिन उनसे किसी को नुकसान भी नहीं हो रहा होता, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं हुआ कोई डैमेज, क्या वो कंटिन्यू करनी चाहिए? इस तरह के यूनिक सेटअप्स कितने ठीक हैं, कितने नहीं? और अगर आपकी भी कोई प्राइवेट डिटेल्स हैं तो ईमेल कीजिए onprivatedetails@retrofm.in, क्योंकि रेडियो पे कोई आपको देख नहीं सकता, आपकी डिटेल्स रहती हैं प्राइवेट। मैं हूं ऋचा आपके साथ हर रात ऑन रेट्रो 106.4।